नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्कर आईएस। कॉन्कर आईएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए एमपीपीएससी 2020 के लिए डेली नए कमीशन के साथ आयोग के साथ हम आपसे मिलते हैं। आज हम एक फिर से नया कमीशन स्टार्ट करने वाले हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हालांकि दोस्तों, इसके पहले मैंने कई सारे कमीशन पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वो कमीशन नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले कांगर कांगर आईएस के प्लेलिस्ट में, एमपीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाके आप वो पुराना वीडियो दे सकते हैं, जिसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया पर भी पढ़ा चुके हैं, कैग एंड नीति आयोग पढ़ा चुके हैं। फिर हम यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी भी पढ़ा चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन एसटी, और नेक्स्ट लेक्चर में नेशनल कमीशन ओबीसी, एंड लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था आपसे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ा चुके हैं। हमने क्वेश्चनों के बारे में जो एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में दिया गया है, हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमीशन। अगर आप ये सारे कमीशन नहीं देखे हैं तो आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाके एमपीपीएससी के में आप ये सब सारे वीडियो मैंने डिटेल से पढ़ाया है, और जल्द ही हम आपके लिए इन्हीं आयोगों के एमसीक्यू माध्यम, मतलब कि किस चीज़ हम लाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं एनजीटी, इसका हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज क्लाइमेट की कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइमेट का सेंस यहाँ पे ये है कि आज ह्यूमन के द्वारा इतनी पोल्यूशन फैलाया जा रहा है कि जिससे ह्यूमन बॉडी और साथ साथ पूरे पूरे विश्व में ह्यूमन पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे क्लाइमेट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो ह्यूमन पे हो, चाहे वो हवा हो, हर कुछ पॉल्यूटेड हो रहा है, जिसपे इस पर वैश्विक स्तर पर रोक लगाने के लिए भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हमने अलग के वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट पेरिस पे बात की गई है, तो ऐसे ही आज हमारे देश में भी अलग की ऐसा ज़रूरत महसूस की गई कि हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जिससे कि इस समस्या पर निजात पाई जाए और इसमें कंट्रोल किया जाए। आज हम इस पर बात करेंगे। पहले हम इस पे बात करेंगे स्थापना। एनजीटी की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तहत की गई है। मतलब ये एक वैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब इसको ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम अधिकरण 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, यह एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक है, ना कि संविधानोत्तर है, यह एक वैधानिक है। वैधानिक मतलब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, एनजीटी की स्थापना के साथ साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण, स्पेशलाइजेशन इन्वायरमेंट इंटरनल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा तीसरा देश बन गया है, और
और पहला विकासशील देश बन गया है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही ऐसी निकाय की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब एनजीटी भारत का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण है, मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट इंटर ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है। यह दुनिया में तीसरा देश बन गया है, मतलब जो वैधानिक निकाय एनजीटी एक वैधानिक निकाय है, ये दुनिया में इंडिया तीसरा देश बन गया है और विकासशील में एनजीटी का गठन करने वाला पहला देश बना है। इसके पहले कौन कौन से देश ने एनजीटी जैसा संस्था का गठन किया है? पहले में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए एनजीटी वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला इंडिया देश का कौन, इंडिया देश में कौन सा स्थान प्राप्त करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए तीसरा। अगर ये पूछा जाए कि विश्व लाइक एनजीटी वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, तो थर्ड स्थान है। अगर ये पूछा जाए कि विकासशील देशों में फर्स्ट फर्स्ट रैंक है, मतलब कि पहला देश है। ठीक है दोस्तों, अगर एनजीटी को मुख्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों को बोझ को कम किया जा सके। कहने का तात्पर एनजीटी का मुख्य उद्देश्य ये है, पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं जिससे देश की अदालतों को बोझ कम किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो पॉल्यूशन लेवल, चाहे वो वायु में पॉल्यूशन हो, एक पर्यावरण से संबंधित, चाहे वो कारखाने हो, चाहे वो गाड़ी वाहन जीप हो, चाहे जो भी जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, या कि कचरा प्रबंधन के लिए जो घरों से कचरा निकलता है उसका सही से प्रबंधन हो रहा नहीं हो रहा, ये जो सब संस्थाएं हैं पर्यावरण से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अदालत पे लगे, कोर्ट केस चल रहे हैं। तो पर्यावरण संबंधी ऐसे मामलों को एनजीटी के माध्यम से हम उसको न्यायालय के बोझ कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसका एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, इसके चार्ज, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनजीटी के मुख्यालय कहाँ है, तो आपको जवाब होना चाहिए दिल्ली। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आपको जवाब होना चाहिए चार। वो चार कहाँ कहाँ हैं? भोपाल एमपी, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगर आपको आपसे ये पूछा जाए कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए दिल्ली। अगर ये पूछा जाए एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए चार। एमपी भोपाल में, महाराष्ट्र पुणे में, तमिलनाडु में चेन्नई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। ठीक है दोस्तों, अब एनजीटी की हम संरचना पढ़ेंगे। एनजीटी में बेसिकली तीन लोग होते हैं, पहला अध्यक्ष, दूसरा न्यायिक सदस्य, तीसरा विशेषज्ञ सदस्य। एनजीटी की संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष होता है, दूसरा न्यायिक सदस्य होता है, तीसरा विशेष सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो न्यायिक सदस्य हो, चाहे विशेषज्ञ सदस्य हो, किसी भी सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार की द्वारा की जाती है, और न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। क्यों, कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, लेकिन ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है,
और अगर मैं ये बात करूं न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक चयन समिति की सिफारिश से करती है। किसकी सिफारिश से करती है? चयन समिति, चयन समिति की सिफारिश, समिति की बनाई जाती है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं अध्यक्ष की नियुक्ति, दो अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, इनकी तीनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है, लेकिन न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार करता है, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पे करता है, ठीक है दोस्तों। अगर यह आवश्यक है, नेक्स्ट पॉइंट संरचना में ही यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10, अधिकतम मतलब 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। यदि आवश्यक है तो एनजीटी में मिनिमम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य पूर्ण न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ अध्यक्ष के अलावा, तो मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये अगर जरूरत है तो, नहीं है तो अल्लाह की कोई दिक्कत, अल्लाह के मिनिमम तब भी 10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपसे ये बोला जाए ट्रिब्यूनल में मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष प्लस 10 कम से कम, अधिकतर 20 अधिकतम हो सकते हैं। अगर इन सदस्यों और नेक्स्ट एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, इनका दोनों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 5 वर्ष होता है। अब एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र, पहला है, पहला पॉइंट, किसी भी आदेश या निर्णय अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक हो कि एनजीटी उस पर फतोद्गास निवारक प्रिकोर निधि और प्रदूषक भुगतान का आदि सिद्धांत लागू करे। एनजीटी की यह शक्ति है कि वह किसी भी आदेश या कि निर्णय या कि अधिनिर्णय को देते समय एनजीटी को उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास या कि प्रोक्योरनरी और या प्रदूषक भुगतान आदि का सिद्धांत लागू करे। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है एनजीटी तभी उसको सर्टिफाइड करे जब सतत विकास हो। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, उस पर पर्यावरण को कोई क्षति ना हो। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हो या कि पूरा वन काटा जा रहा हो, तो जिससे अलग इन्वायरमेंट इको अलग फ्रेंडली नहीं है, तो उसको इस बात को ध्यान रखे, एक निवारक हो, एक प्रदूषक भुगतान, या एक जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में ये लोग अलग ऐसा है कि वो प्रोजेक्ट लगाना जरूरी है, तो उसके एवज में कहीं और मान लीजिए पेड़ पौधे लगाएं या उस या कि उसको इको फ्रेंडली लगाएं, तो उसको प्रदूषक को पेमेंट करें, मतलब कहीं ना कहीं और उसके एवज में आप उसकी क्षति को पूर्ति कीजिए। तो इन सब बातों को एनजीटी को ध्यान में रखते हुए आदेश दिए हैं कि निर्णय दिए हैं कि अधिनिर्णय जो भी आवश्यक हो ये समझ के ही उस पर सिद्धांत को लागू करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने इसको समझ लिया है तो दोस्तों, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोक्योर 1908 में लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोक्योरमेंट 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। मतलब नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में जो भी उल्लिखित है वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट,
अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनों कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। कहने का मतलब दोस्तों, एनजीटी अधिकरण का न्याय क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब ब्रॉड है काफी ज्यादा, कि उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जो कि चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, पर्यावरण से सम्मिलित हो, तो वो चाहे वो ग्लोबल हो या कि इंडिया लेवल पर, चाहे वो स्टेट लेवल पे कहीं भी हो। हालांकि यहाँ दोस्तों, यहाँ नेशनल इंटरनेशनल का समस्या ये है क्योंकि हम पेरिस क्लाइमेट का हमने वो किया, लगे जो कि एक बाध्यकारी समझौता है, तो उसी के तहत इंडिया भी क्लाइमेट ग्लोबल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य से अगर ये बोला जाए तो पर्यावरण काफ़ी विस्तृत है, मतलब काफ़ी बड़ा है। हम उसके लिए बाध्यकारी हैं कि हम पर्यावरण इको फ्रेंडली होना चाहिए कोई भी अगर नया काम हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्र अधिकार है जिसके अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। दोस्तों अभी हमने आपको जितना भी पढ़ाया है कमीशन, उस पे अपीली क्षेत्र अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्र अधिकार है जिसके तहत वो सुनवाई कर सकता है। अपीली का मतलब, मान लीजिए एक बार कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो उसका उसकी द्वारा सुनवाई नहीं होगी, लेकिन नहीं, आप द्वारा अपील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय मतलब अपील, मतलब इसमें अपील कर सकते, द्वारा भी कर सकते हैं एनजीटी के अपने अपने आदेशानुसार। ठीक है, अधिकरण के प्रधान एनजीटी पर्यावरण से संबंधित फात कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करती है। एनजीटी, अगर आपसे ये पूछा जाए एनजीटी पर्यावरण से संबंधित निम्न कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकती है। ठीक है दोस्तों, पहला है जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपक्रम अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980। फोर्थ पॉइंट, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है दोस्तों, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। पहला पॉइंट है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपक्रम अधिनियम 1977, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण उपक्रम अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। हालांकि दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं तो कभी कभी एग्जाम में इनसे आपको अधिनियम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ लेते हैं जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो आपका जवाब होना चाहिए 2002। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनसे डायरेक्ट ऐसे ये पूछ लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वायु संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इससे भी डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, और यहाँ से भी वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है दोस्तों, अब एनजीटी के हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति प्रदान करना करवा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति को पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी को पर्यावरण
की क्षति हो रही है तो उस अगर जो पीड़ित है तो उसको क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णयों, अधिनिर्णयों का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी कोई अगर आदेश देता है या कि कोई निर्णय देता है या कोई अधिनिर्णय देता है तो न्यायालय के आदेश के रूप में काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर एनजीटी अगर आदेश भी दे या कि निर्णय दे या कि अधिनिर्णय दे तो वो न्यायालय के समान है, उसके आदेश होते हैं, आपको जो मानने के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एनजीटी में नियमों का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करता है तो वो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एनजीटी का जो भी नियम पालन नहीं करते हैं, एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें आर्थिक रूप से उसको दंड दिया जाता है जो कि कितना है, तो दोस्तों इसमें कितना है, 10 करोड़ रुपए तक, और जो इसमें अधिकतम कारावास कितना है, कारावास 3 वर्ष के लिए। मतलब आपको ये पॉइंट मेरी इंपॉर्टेंटिटी के हिसाब से ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए, कारावास और आर्थिक दंड दोनों दे सकता है एनजीटी जो है, आप कारावास और आर्थिक दंड दोनों दे सकता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णय, अधिनिर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी द्वारा दिए गए चाहे वो आदेश हो, चाहे वो निर्णय हो, चाहे अधिनिर्णय के विरुद्ध, मैंने आपसे पहले इस पॉइंट पहले बताया, सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर, 90 दिन मतलब दोस्तों यहाँ 3 मंथ से मतलब है, 3 महीने, ठीक है, अपील की जा सकती है। अपील ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय में एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं जो इम्पोर्टेंट है, तो एनजीटी में कारावास 3 वर्ष के लिए, एनजीटी में आर्थिक दंड 10 करोड़ रुपए, कारावास और आर्थिक दंड दोनों देना दोनों दोनों दे सकती है। एनजीटी में अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आप कितने दिन के अंदर, तो 90 दिन या अपील की जा सकती है। तो उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा द्वारा लिए गए निर्णय में एनजीटी में चुनौतियां दी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय, एनजीटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय इसने दिया है। ठीक है दोस्तों, दो हजार 19 में यूपी में कानपुर में 122 टेनरियो गंगा में क्रोमियम युक्त सीवेज बहाने से जल प्रदूषित होने पर 280 करोड़ का जुर्माना लगाया। जैसे मैंने आपको बताया कि एनजीटी आर्थिक जुर्माना लगा सकती है, तो 2019 में यूपी में कानपुर में इसने क्रोमियम युक्त सीवेज बहने से जल प्रदूषित हो रहा था। मतलब कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे गंगा नदी भी कानपुर में सीधे सीवेज की पाइपलाइन गंगा में छोड़ी जाती थी, इसलिए उसमें एनजीटी ने एक्शन लिया 2019 में, उसमें 280 करोड़ का जुर्माना लगाया एनजीटी ने। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक ऐतिहासिक निर्णय है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित 7 कानूनों के तहत, 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों में एनजीटी के निर्णय में सुनवाई कर सकती है। मैंने आपको बताया था अभी, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों में एनजीटी किसी निर्णय की सुनवाई कर सकता है। मैंने आपको 7 कानून के बारे में बता चुका हूँ, 7 कानून।
207 कानून आपके ये हैं, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण उपक्रम अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 2017 में दिल्ली में यमुना नदी में यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग में फेस्टिवल से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसमें एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। कितने का जुर्माना लगाया दोस्तों? 5 करोड़ रुपए का। 2017 में दिल्ली में यमुना नदी के यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसमें एनजीटी ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है दोस्तों, ये इसके निर्णय थे। 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2015 में एनजीटी का एक आदेश दिया गया, जिसमें ये बोला गया कि 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहन सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर अगर आपको ना पता हो तो दिल्ली एनसीआर में यूपी, हरियाणा के कुछ यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पोस्को ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता किया, और लेकिन एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि समझौता के आसपास ग्रामीण लोगों के हितों के प्रभावित करने वाला था। 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पोस्को ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार का समझौता किया, लेकिन एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि इस समझौते से आसपास के ग्राम जो गांव में रह रहे लोगों के हितों को प्रभावित कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके एनजीटी के निर्णय। ठीक है, एनजीटी एक वैधानिक निकाय, मैंने आपको बता चुका हूँ, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट आता है। इसको अगर किसी का फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। इसलिए ये अलग एनजीटी 21 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आज इस एनजीटी की मैं समरी बता देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे ये पूछना जा सकता है कि 10 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका गठन किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, और ये दुनिया में तीसरा देश है और विकासशील देश में पहला स्थान है। इसके पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही एनजीटी संस्थाओं का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको जानना चाहिए दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल एमपी, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। अगर ये हो, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है, लेकिन न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पे करती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मिनिमम अधिकरण में कम से कम 10 सदस्य या अधिकतम पूर्ण 20 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसकी शक्ति मैंने आपको बोल के बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें 7 कानून के तहत नागरिक मामले को कोई सुनवाई कर सकता है। ये लकी 6 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक निश्चित समय के लिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए कारावर्ष और अलग निश्चित अर्थदंड जिसे 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
इसमें कारावास और आर्थिक दंड दोनों होते हैं। इस एनजीटी के खिलाफ अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आपको अपील करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जो इनके ऐतिहासिक निर्णय हैं खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपको लाइक आर्थिक दंड और कारावास दंड, और अगर आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो 90 दिन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आज एनजीटी खत्म हुआ पीटी के हिसाब से, और हम आज लाइक एमपीपीएससी की पीटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बॉडी हैं इनके हम जल्दी ही टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारी टीम इस पर पूरा काम करी पूरे फोकस के साथ, और हम जल्द ही ये एक दो क्लास और बची हैं, हम जल्द ही इसको समाप्त करके हमारी टीम जो है तो लाइक क्या सेगमेंट में एमपीपीएससी 2020 जो कि अप्रैल 2021 में होने वाला है उस पर पूरी फोकस होकर और काम कर रही है, और पूरा जो सोर्स है हमारा ऑथेंटिक है, और इसके साथ साथ हम हमारी टीम हिमाचल पीएससी के लिए भी काम कर रही है, जो कि वो ये भी 2021 मई में अल्लाह के एग्जाम होने वाला है। हम इन पर जो भी अगर हिमाचल पीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उनके लिए भी बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि तो हम जल्दी उस पे हमारी टीम काम कर रही है, और एमपीपीएससी का हम टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करने वाले हैं, और अदर अदर सेगमेंट में हम जल्द से जल्द आपको हमारी टीम के ये शुभकामना है कि आपको एग्जाम के पहले हम पूरा सिलेबस विथ टेस्ट सीरीज सहित हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, और जो भी सोर्स है ऑथेंटिक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इससे मैक्सिमम पीटी के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको नए आयोग के साथ मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।